नमस्कार विद्यार्थियों, ऋषिकुल ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में अपठित काव्यांश का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, अपठित गद्यांश काव्यांश है, साक्षी है इतिहास हमी पहले जागे हैं, जागृत सब हो रहे हमारे ही आगे हैं, श्रु हमारे कहाँ नहीं भैसे भागे हैं, कायरता से प्राण हमने त्याग कहाँ त्यागे हैं हम ही प्रकंपित कर चुके सुरपति का भी हृदय, फिर एक बार हे विश्व तुम गाओ भारत की विजय। कहाँ प्रकाशित नहीं रहा है तेज हमारा, दलित कर चुके शत्रु सदा हम पैरों द्वारा, बतलाओ तुम कौन नहीं जो हमसे हारा, पर शरणागत हुआ कहाँ कब हमें न प्यारा, बस युद्ध मात्र को छोड़कर कहाँ नहीं है हम सदैव, फिर एक बार हे विश्व तुम गाओ भारत की जय। तो बच्चों, ये हमारा अपठित काव्यांश है जिसको पहले हमने नहीं देखा होता, इसका केवल हम अपने प्रश्न पत्र में ही इसको देखते हैं और अपठित काव्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होते हैं, जैसे इस स्लाइड में दिए हुए हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर हम उस अपठित काव्यांश के आधार पर ही देते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, काव्यांश का मूल भाव क्या है, मतलब जो हमने अभी काव्यांश पढ़ा है तो उसका मूल भाव क्या है। बच्चों, पूरी पंक्तियां पढ़ने के बाद हमारे मन में एक विचार आता है कि इसमें कहीं ना कहीं भारतीयों की वीरता का, उदारता का और सहृदयता का वर्णन किया गया है। तो उसी के आधार पर हम अपने प्रश्न का उत्तर देंगे कि प्रस्तुत काव्यांश का मूल भाव है भारतीयों की वीरता, उदारता और सहृदयता। तो बच्चों, प्रश्न नंबर दो है, जागृत सब हो रहे हमारे ही आगे, पंक्ति में निहित अलंकार का नाम लिखिए। तो बच्चे, जागृत सब हो रहे हमारे ही आगे, तो इस पंक्ति में है कि अवरति के कारण, बच्चों यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, हो रहे हमारे ही आगे, तो है कि अवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न नंबर तीन है, इतिहास किस बात का गवाह है। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों के आधार पर इतिहास इस बात का साक्षी है, इस बात का गवाह है कि भारतीयों ने सबसे पहले विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया था, इसके बाद ही विश्व के लोगों से ज्ञान का प्रसार हुआ है। और प्रश्न नंबर चार है बच्चों, काव्यांश के आधार पर भारतीयों की वीरता का वर्णन कीजिए। जो जो पंक्तियां हमने इसमें पढ़ी हैं वीरता वाली, तो हम अपने इस उत्तर में लिख सकते हैं, जैसे युद्ध में भारतीयों ने अपने शत्रुओं को हराया जिससे वे भागने के लिए विवश हुआ, भारतीयों ने कहीं भी कायरता नहीं दिखाई बल्कि अपनी वीरता से देवों तक के हृदय को पिघला दिया, उनके हृदय को दहला दिया। और प्रश्न नंबर पांच है बच्चों, कवि विश्व के लोगों से क्या आह्वान कर रहा है और क्यों। आह्वान का मतलब होता है बुलवाना। कवि विश्व के लोगों से भारतीयों का गुणगान करने के लिए कह रहा है क्योंकि भारतीयों ने शत्रुओं को हराया है, विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाया है और अतिथि देव भव यानी कि शरणागत की रक्षा करना भारतीयों का धर्म है, इन्होंने उसको निभाया है और रण क्षेत्र छोड़कर हर जगह अपनी सहृदयता का परिचय भी दिया है इन्होंने,
तो इसलिए कवि जो है भारतीयों के गुणगान का बखान करने के लिए हम लोगों से आह्वान कर रहा है कि हम उसकी तारीफ करें।